हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज का जो वीडियो है वर्कशीट नंबर 39 जो है क्लास 9th की मैथ्स यानी कि गणित, और डेट है 23 सितंबर 2020। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है PE का जो सूत्र है, अभी प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन में अभी प्रयोगों की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इस फॉर्मूले पर बेस कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है इसका, एक कंपनी ने 2400 परिवार यानी कि 2400 फैमिलीज़ को चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं, यानी कि एक कंपनी ने जो है वो सर्वे करवाया है और टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है 2400 और इनकम और उनके घर में नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के बेस पर ये है। मान लीजिए कि कोई परिवार चुना गया है और रैंडमली है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता जो है आपको बतानी है इस फैमिली की। एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, 7000 से जो लेस है यहाँ पर 0 व्हीकल वाली 10 फैमिलीज़ जिस पर एक ही व्हीकल है, एक ही कोई साधन है, वो 160 है, 160 है जिसके पास। दो व्हीकल्स हैं ऐसे 25 फैमिली है, और 3 व्हीकल्स वाले 7000 रुपये से कम कमाने वाले 0 परिवार हैं। इसी तरह से 7 से 10 हज़ार में जो है 0 वाले 0 हैं, एक गाड़ी जिनके पास है वो 305 फैमिली है, जिस पर दो ही गाड़ियां हैं वो 27 फैमिलीज़ हैं, और जिनके 3 गाड़ियां हैं वो 2 फैमिलीज़ हैं। 10000 से 13000 में इसी तरह से दे रखा है, 13 से 16 और 16 से ज़्यादा में भी दे रखा है कि 0 वाले एक फैमिली है जिस पर एक गाड़ी है, वो है 579 579, जिसकी इनकम 16000 या उससे ज़्यादा है। दो गाड़ियों वाले जो परिवार है वो है 8282, और 3 गाड़ियों वाले हैं 88। सवाल क्या है, प्रायिकता बतानी है आय जिसकी 10000 से 13000 के अंतराल यानी कि रेंज में है, और उसके पास दो वाहन है, 2 व्हीकल्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी। देखिए, 2 व्हीकल्स वाले जो 10 से 13000 है, कितनी फैमिलीज हैं, 29 फैमिलीज, तो पीई क्या बन जाएगी इसकी, 29 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है इस क्वेश्चन में, 2400। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसका वो क्या है, आय प्रतिमाह 16000 या उससे अधिक और केवल एक वाहन यानी कि इनकम 16000 से ज्यादा और केवल एक व्हीकल होना चाहिए। जरा देखते हैं कितने ऐसे, एक वाले 579 ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 579 अपॉन 2400। थर्ड पार्ट, 7000 से कम और उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, 7000 से कम, ये है 10 परिवार। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 10/2400। 13000 से 16000 इनकम है और उसके पास दो से अधिक वाहन है, दो से अधिक यानी कि 3, सैलरी 13 से 16000, 2 से अधिक 3 व्हीकल वाले, 25 फैमिली, तो 25/2400 प्रोबेबिलिटी बन गई। ये है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है, तो एक से कम वाले जो हैं उसको आप टोटल कर लेंगे। देखिए, इसका जवाब भी दे रखा है, ऐसे में एक से कम में देखो, एक से अधिक नहीं है, एक तक चलेगा, तो इसके लिए देखिए
जितने भी दे रखे हैं यहाँ पे सभी परिवार, जीरो वाले जिस पे व्हीकल है सब आ जाएंगे, 10, 1, 2, 1, और एक वाले भी 160, 305, 535, 469, 579, इन सब को आप टोटल कर लें और अपॉन में लिख दें 2400, ये आ जाएगा 1031/1200, ये कटिंग करने के बाद आ जाएगा। एग्जांपल नंबर टू पे चलते हैं। बीजों के 5 थैलों में से एक, हर एक थैले में से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। बीजों वाले, बीजों के 5 थैले हैं, उनमें से एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैले से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे दी गई है। कितने बीज हैं? 50। थैला नंबर एक, 20 दिन के बाद कितने बीज अंकुरित हो गए इसमें? 40। 2 में 48, 3 में 42, 4 में 39 है और 5 में 41 है। उस थैले की प्रायिकता बताने, प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें जो स्प्राउटिंग हुई है, जो अंकुरित हुए हैं बीज, वो कम से कम 40 हो, कम से कम 40। ऐसे में यहाँ पर कम से कम 40 का मतलब क्या है? 40 से ज़्यादा वालों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पर थैले नंबर 1, 2, 3 और 5, 1, 2, इसमें 2 में 3 में और 5 में, इन सब में जो है कम से कम 40, तो ऐसे 4 थैले हैं, यानी कि 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। क्वेश्चन ज़रा इसके सॉल्व कर लें। एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने 40 गेंदों पर 8 बाउंड्रीज, यानी कि 8 चौके लगाए। चौका नहीं लगाने की, बाउंड्री ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए, हिट करा 8 टाइम्स 40 में से, तो चौका नहीं मारा, कितनी बॉलों पर चौका नहीं मारा, 40 में से 8 घटा दें, 32, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, चौका नहीं मारने की, पीई जो है वो नॉट हिटिंग बाउंड्री, चौका नहीं मारने की लिख देंगे 32/40। तो ये हो जाएगा 8 4 जा पे कट गया और 8 5 जा पे, ठीक है जी। एक दे रखा है कि उदाहरण दो की तालिका में, जो हमारे पास टेबल है, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो। तो ऐसे में कितने थैले हैं? 40 से ज़्यादा वाले देखिए, दूसरे थैले में, तीसरे में और पांचवे में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे ही लिख देंगे, 4/5 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/5, ठीक है। 49 हो, कितने हो? बीजों, अंकुरित बीजों की संख्या, जो स्प्राउटेड सीड्स हैं उनकी नंबर कितने होने चाहिए? 49। तो ऐसा कोई भी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप पीई लिख देंगे ऐसे ही लिख के, 0/5, ठीक है। कोई भी नहीं है ना 49, तो ये इसका जवाब हो गया। वर्कशीट के दोनों ही एग्जांपल और दोनों क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। वर्कशीट के क्वेश्चन आप इजीली इसके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।